हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जो राजाओं का राजा है, जो महिमा में परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति पिता परमेश्वर, आपने संभाल के रखा अपनी आंखों की पुतली के नए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कितने लोग जो आज के दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें सभी भाई बहनों को एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवन में बढ़ाकर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, प्रभु का धन्यवाद कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सब में सब कुछ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु के लोहे की जय। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु जी हम आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने लोग हैं जो आज खुश होंगे और कई लोग जो दुख में होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। लेकिन प्रभु चाहता है कि सभी खुशी के साथ रहे, आनंद के साथ रहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। जब कोई दुखित होता है, जो कोई बीमारी में, कोई बीमारी में, कोई परेशानी में हो, तो परमेश्वर भी साथ में दुख होता है, परमेश्वर भी रोता है। प्रभु ये कभी भी नहीं चाहता कि दुख में रहे, बीमारी में रहे। प्रभु ये चाहता है कि आप हमेशा क्या रहे, खुश रहे और आनंदित रहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, हालेलुया, ताकि वह अदन की वाटिका में रह सके, उसकी रक्षा कर सके, और जो परमेश्वर ने उसे कहा था उसको उसके उसका पालन करें। लेकिन हम क्या देखते हैं, उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और इसलिए उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, जो कि अदन की वाटिका में उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। सिर्फ रोज क्या करना था, सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही और महिमा करनी थी, प्रभु का धन्यवाद ही करना था। लेकिन परीक्षाएं आई और क्या हो गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और किस पर मन लगाया, शैतान की बातों पर मन लगाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और इस दिन से वो अपने जीवन में दुख और कष्टों को देख रहे थे, परेशानी और श्राप, क्योंकि उनके जीवन में श्राप आया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज आप अपने जीवन में, सभी लोग चाहते खुशी का जीवन, आनंदित का जीवन जीना चाहते हैं, सभी लोग। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। कई लोग हैं कि जीवन में जो श्राप राज्य कर रहा है, कई लोगों के जीवन में श्राप है, अंधकार की शक्ति है उनके घेर के रखी हुई है। हालेलुया, कई लोग कितना भी कमा रहे हैं लेकिन फिर भी आज कर्ज में दबे हुए फंसे हुए, कितना भी कोशिश करते हैं वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बड़ी निराशा में रहते हैं, परेशान रहते हैं और कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर में क्यों आशीष नहीं हो रही है, क्यों हमारे संतान पर आशीष क्यों नहीं हो रही है, क्यों ब्लेसिंग्स नहीं हो रही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोगों के घर में क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाते, कई लोग जॉब नहीं कर पाते, कई लोगों का मन ही नहीं करता जॉब करने का, काम करने का, और वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है। कई लोग नौकरी इतनी ढूंढते लेकिन नौकरी नहीं मिलती, कई लोगों की शादियां नहीं लगती। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, ना तो कोई नौकरी मिलती है और ना कोई उनकी शादी हो पाती है, और कितने ऐसे परिवार में कितने मुश्किलों और दुखों का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। यही सोचते हैं कि पता नहीं हम कब अपने जीवन में सुख को देखेंगे, कब हम अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, कब हम अपने जीवन में चैन और शांति से रह पाएंगे। कई लोगों ने तो आस ही छोड़ दिया है। हालेलुया, से बहुत सारे परिवार हैं जो श्राप के कारण अपने जीवन में वो आनंद को खो चुके हैं, खुशी को खो चुके हैं और आशीषों को खो चुके हैं। कई लोग जो ऐसे परिवार हैं जो पाप में हैं, पाप के कारण क्या हो रहे हैं, पाप की वजह से बीमारी आ जकड़ी हुई है, परेशान है,
सबके परिवार में अलग अलग तरीके से उसे फंसे हुए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। कई बार तो ऐसा होता है कि जो श्राप है, जो बंधन है, वो पीढ़ी से पीढ़ी दर चली आ रही है और श्राप वो बना रहता है, वो श्राप से मुक्त नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे उनको अपने पूर्वजों का पाप का भार उठाना पड़ता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। लेकिन आपके लिए एक आनंद और खुशी की बात है। कई लोग कहते हैं कितने साल हो गए नौकरी हम ढूंढ रहे लेकिन नहीं लगती, कितने साल हो गए हैं शादी नहीं हो पा रही, रिश्ता ढूंढ रहे पर नहीं लगती। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया, हमें जीवन देने के लिए और आशीषों को देने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और श्राप को तोड़ सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं हमेशा के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो श्राप का अर्थ क्या है? श्राप जो है वो क्यों आता है? श्राप किसी के जीवन में वो पाप की वजह से या फिर जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते तो क्या होता है? वो एक दंड के रूप में आता है और जिसे हम श्राप कहते हैं। कई लोगों के जीवन में वो संतानों पर आता है, परिवारों में आता है, किसी न किसी रीति से वो श्राप आता है। वो श्राप क्यों आता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वो हो सकता है। जब व्यभिचार कोई करता है तो उसकी वजह से आ सकता है। कोई गलत काम को करता है, जो मूर्ति पूजा करता है, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, और इस वजह से वो श्राप उनके जीवन में बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, उसका हम 20 अध्याय उसका हम वचन से पढ़ते हैं कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी के प्रतिमा ना बनाना, किसी के घर का लालच न करना। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और व्यवस्था विवरण भी पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि शापित हो अपने माता और पिता को तुच्छ जाने, शापित हो वह किसी दूसरे की सेवा को हटाए, शापित हो जो परदेशी अनाथ विधवा का न्याय बिगाड़े, जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, जो किसी को छिप कर मारे, जो शापित हो जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले, शापित हो वह इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरी ना करे। हालेलुया। जब मलाखी में पढ़ते हैं जो श्राप जो क्यों आता है, मरकुस में भी पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। और हम यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं 16:5 में, जिनका मन परमेश्वर की ओर से भटक जाता है वो श्रापित है, वो पुरुष परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और बाइबल हमें बताती है कि तू उनको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और जो श्राप है कई लोगों के जीवन में वैसे का वैसे बना, टूट नहीं थे, लेकिन श्राप टूट सकते, उसे आप आजाद हो सकते हैं और आशीषों को ले सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है हमें श्राप से आजाद करने के लिए, पापों से आजाद करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। कई लोगों के घर में, कई लोगों के परिवार में जो पाप की वजह से है, परेशानियां है, समस्या है, लेकिन उसे छूट नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें श्राप से मुक्त करने के लिए आए हैं, वो पाप वो बीमारी से मुक्त करने के लिए आए हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 10:9 में हम पढ़ेंगे उस वचन को कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कुछ पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। जो उस पर विश्वास करेगा, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। आज आप अपने जीवन बीमारी की वजह से लज्जित हो रहे हैं, समस्याएं, परेशानी, वो श्राप जो पीढ़ी से पीढ़ी दर चली आ रही है, वो नौकरी, कभी आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं देखा अपने जीवन में, आपके घर में परिवार में कभी अच्छा सा घर नहीं देखा, वो श्राप पे श्राप बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो। लेकिन गुड न्यूज ये है कि श्राप और बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन को जब बाइबल में पढ़ते हैं तो एक शहर था जिसका नाम सदोम और अमोरा था, जहाँ पर बहुत सारे पाप, बहुत ज्यादा पाप थे वहां पर, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो एक श्रापित होकर बदल गया। और इसलिए परमेश्वर ने उसके अंत में क्या किया, अग्नि और आग के द्वारा और गंधक के द्वारा उसे नष्ट किया, और आज भी वो कब्रिस्तान की तरह पड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमें श्राप से मुक्त करने, चाहे बीमारी में हो, चाहे संकट में हो, चाहे क्लेश में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे परेशानी में हो,
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आपके जीवन में जो भी परेशानी है सब कुछ क्या कर दें, परमेश्वर के पर डाल दें। हालेलुया। लेकिन हम ये बताना चाहते कि जो अदन की वाटिका के बारे में जो बताई, जो पहला जो श्राप आया है वह अदन की वाटिका से आया है। हालेलुया, प्रभु का धन। किसके किस पर आया? आदम के ऊपर आया, हवा के ऊपर आया और सर्प के ऊपर आया। तब से मानव जाति को क्या करना पड़ रहा है? श्राप को उठाना पड़ रहा है। इसका रीजन क्या है? परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा, और इस कारण से परमेश्वर ने क्या किया, इस सब की सृष्टि की, सब कुछ बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सब कुछ बनाया, ब्लेस किया। और हम क्या देखते हैं कि आदम और हवा जब परमेश्वर की आज्ञा को लंघन कर दिया, तोड़ दिया, तब वो क्या हो गया, वो उनको श्राप मिला। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी श्राप को दूर करने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह, जो उसके द्वारा जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, वो चंगाई पाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। हो सकता है आप अपने जीवन, पारिवारिक जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, आपके परिवार में कुछ सही नहीं चल रहा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकते हैं और सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो श्रापों से हटा कर क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमें पूर्ण रीति से आजाद कर सकते हैं, श्रापों को तोड़ सकते हैं। और तोड़ दिया परमेश्वर ने, लेकिन उन्हीं लोगों के जीवन से वो श्राप हटता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो गरीबी का श्राप हो सकता है, वो बीमारी का श्राप हो सकता है, परिवार में श्राप हो सकता है, बच्चों पर श्राप हो सकता है। हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह उस श्राप को तोड़ने के लिए है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो कैसे टूटता है? जब हम यीशु का लहू से धोए जाते हैं, धुल जाते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते कि प्रभु यीशु ही हमारा प्रभु है, वह राजाओं का राजा, वह महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो क्या करता है, वो सारे श्रापों को क्या करता है, दूर करता है। अपने लहू से धोकर हमें साफ करता है, हमें पाक और पवित्र बनाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। तो ये जो श्राप है ये जड़ से खत्म हो सकता है, हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, जड़ से खत्म हो सकता है केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज विश्वास करो और परमेश्वर के निकट आओ। अब पहली बात तो आप परमेश्वर के निकट आए, मन फिरा है, सारे पापों को मानकर छोड़ दीजिए और बोले यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर है, विश्वास करो। हालेलुया, अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, गलती को मानकर उसे छोड़ दीजिए, पाप को छोड़ दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, मन फिर आए, परमेश्वर के पास लौट आइए। आपके परिवार का श्राप, चाहे कोई भी श्राप क्यों ना आपकी जिंदगी में, वो सब बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। चाहे वो गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक श्राप और बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के निकट आए तो आपके जीवन से वो श्राप और बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया है। जहाँ परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, उसके पीछे चलोगे, आपके सारे श्राप और बंधन टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, वो गरीबी, अब आप गरीबी भी नहीं रहोगे, वो परेशानी चले जाएगी। हालेलुया, आपका जो दुख है वो सब खत्म हो जाएगा, सुख में बदल जाएगा और आनंद में बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप अपने जीवन में आशीषों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, चमत्कार करता है, सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, उसी के द्वारा जीवन है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक श्राप और बंधन टूट जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से, यीशु के सामर्थ्य नाम। सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मैं प्रार्थना करती हूँ के समर्थन है वो बंधन टूट जाए, वो श्राप खत्म हो जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, दया करना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु दया करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए यीशु के समर्थ्य नाम में, हर प्रकार के श्राप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर श्राप को मिटाने के लिए दुनिया में आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। हर एक श्राप पर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करना पिता पर मैं, जो बीमारी का श्राप आपके जीवन में, इतने साल से बीमार है। हालेलुया, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में श्राप पर बंधन टूट जाए, जात हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कई बार ऐसा होता है परमेश्वर को जानते हैं, उद्धार भी पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आ जाओ, परिवार से बीमारी नहीं जा रही, श्राप नहीं जा रहे, समस्या नहीं जा रही है, वो उसके रीजन कुछ ना कुछ हो सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, हो सकता है परमेश्वर की आगे का पालन नहीं कर रहे, हो सकता है आप गलत काम कर रहे, हो सकता है आप परमेश्वर के विरोध में वो काम कर रहे जो परमेश्वर मना करता है। हालेलुया, आज जांचे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के स्तुति। जांचे, परमेश्वर से माफी मांगे और सारे पापों को छोड़ दीजिए। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति में, तब वो श्राप वो बंधन टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते रहे एक जन आजाद हो जाए, हर एक श्राप पर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पीटी लीवर द माटी ने मक्षी दस्कार, पीटी लीवर द माटी ने मक्षी दस्कार। हालेलुया, रब खतिर रब शांति रब खतिर रब अंतिर के रब अंतिर, मैं प्रार्थना करती है जादू जयशी के समर्थ, एक श्राप पर बंधन टूट जयशी के समर्थ नाम में। वी डिलीवर द माटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी डिलीवर द माटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, दयालु करुणा निधान पिता पर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गरीबी के श्राप आपके जीवन के परिवार में इतने सालों से चले आ रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम बंधन टूट जाए। जो बीमारी के श्राप आपके जीवन में आपके परिवार में है, वही बीमारी कितने सालों से चली आ रही, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाली जो जेनेटिक बीमारी चली आ रही है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में डांट से जात हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ लॉर्ड जी, अपने लहू से धो दे, पाकर पवित्र शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारियों को डांटती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, दया कर दो, दया कर दो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ नाम में, श्राप पर बंधन टूट जाए, हरे बीमारी जाए यीशु के समर्थ, चाहे शुगर बीपी की प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, यीशु के समर्थ नाम में चंगा जादू जाए। चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थ नाम में डिलीवर। हालेलुया, अस्थमा की प्रॉब्लम, हड्डी की रोग समस्या हो, यीशु के समर्थ नाम में जाए, यीशु के समर्थ नाम में श्राप पर बीमारी बंधन टूट जाए, हड्डी की रोग समस्या जाए, आर्थराइटिस की बीमारी जाए, यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ, हर एक बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चाहे पथरी हो पेट में, चाहे रसोली हो, चाहे वो गिल्टी हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी वक्त जो जो बीमार है, जो जो बीमारी जानते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटे। जबकि पर बीमारी है, उसके ऊपर अपने ऊपर हावी ना होने दे, उसे डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में, निकाले अपने शरीर से यीशु के सामर्थ्य, आपके परिवार से यीशु के सामर्थ्य नाम में। श्राप ए बीमारी की स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। के परिवार को छोड़ के जाए, जीवन को छोड़ के जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। दर्द, कोई भी दर्द क्यों ना आपके शरीर में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हड्डी की रोग समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया कर दे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ। आपके ब्लड में यदि कोई है, कोई बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आजाद हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु का लहू आपके ऊपर आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, अपने लहू से धो दे, पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में मैं तारीफ हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, रब खतिर रब शांति रब खतिर, मैं प्रार्थना करती हूं जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, रब खतिर रब शांति रब खतिर रब अंतर के रब खतिर, मैं डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, श्राप पर बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, रब खतिर रब शांति रब खतिर रब अंतर के रब खतिर, प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करते रे एक जन के यीशु के नाम में, कवर करते और जादू जाए। हालेलुया, जो खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे, जो अस्थमा की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, रब खतुर रब शांति रब खतिर रब शांति रब खतिर, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। वी डिलीवर्ड
the mighty name of Jesus Christ. Yeshu ke samarth nama jata changi ho jaye. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगाई को उंडेल दिया। मैं प्रभु जी आपकी स्तुति में और आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के वा पिता परमेश्वर आपकी महिमा करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा मैं परमेश्वर सब में सब कुछ परमेश्वर आपकी स्तुति में मैं तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर मैं धन्यवाद करे। बंधन टूट जाए, बीमारी जाए, के समर्थन में डिप्रेशन जाए, हेडेक की खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, का चंगे हो जाए, के समर्थन में हालेलुया। जो अस्थमा की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थन, पेट के दर्द खत्म हो जाए, यूट्रस की प्रॉब्लम जाए प्रभु यीशु के समर्थन में हालेलुया। आपके पेट के दर्द जाए, आपके रीढ़ की हड्डी चंगी हो जाए, आपके घुटने का दर्द जाए, आपके पैर का दर्द जाए, केड़ी का दर्द जाए यीशु के समर्थन, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए यीशु के समर्थन में हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगाई को ले दिया। मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। श्राप बंधन टूट जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वो श्राप पर बंधन टूट जाए आपके ऊपर से यीशु के समर्थन में हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद कर, श्राप चले गया वो टूट चुके करके मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के समर्थन में हालेलुया। धन्यवाद जिनके परिवार में डाइवोर्स डाइवोर्स चला आ रहा है यीशु के समर्थन में डांटते जाते जाए, डाइवोर्स का स्पिरिट को डांटती हूँ, वो श्राप पर बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन में। मैं प्रार्थना करते एक होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थन में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तोत्रम लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते जाते जाए हालेलुया। प्रभु जी ने ब्लेस करते, धन्यवाद करते जिनके शादी शुदा, जिनके बड़ी छोटी लड़ाई झगड़ा चल रहे वो सब बंधन टूट जाए यीशु के समर्थ नाम में हालेलुया। परमेश्वर शांति हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया, आपके परिवार में मैं शांति को घोषणा करती यीशु के समर्थ नाम में। आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ हालेलुया। जो नशे के काम करते, जो नशे के स्पिरिट जो आपके जीवन में आपके परिवार में इतने सालों से चले आ रहे नशा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक शाप पर बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक शाप और बंधन को तोड़ देती यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। वी डिलीवर, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में मैं तारीफ हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा देने वाला, महिमा करने वाला, महिमा मैं परमेश्वर आपकी स्तुति में तारीफ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिनके जॉब नहीं लग पा रही, इतना प्रयास करते लेकिन नहीं लग पाता, वो श्राप और बंधन टूट जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से, यीशु के समर्थन में। मैं जॉब से ब्लेस करती हूं यीशु के समर्थन में। जो कमाते हैं लेकिन फिर भी वो उनके जीवन में आशीष नहीं ठहरती, बरकत नहीं बनी रहती, यीशु के समर्थन में श्राप और बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थन में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समर्थन में श्राप और बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आशीष और बरकत को मैं घोषणा करते आपके जीवन के परिवार में, यीशु के समर्थन, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। धन्यवाद, आपके कमाई को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, श्राप और बंधन टूट जाए, वो श्राप को और वो श्राप वो टूट चुका यीशु के सामर्थ्य नाम, आजाद हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हालेलुया। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके बिजनेस में जो बाउंड्रीज लगी है, जो लिमिटेशन की स्पिरिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बिजनेस में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो बंद दरवाजे खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करते, ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती। जो गलत कामों में, जो विचार में, जो गलत संगति में, जो बुरी संगति में यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर कर दिया जात हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो इन्फेक्शन है, हर प्रकार के इन्फेक्शन, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। स्किन की एलर्जी या प्रॉब्लम, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका घाव है, यीशु के सामर्थ्य नाम में सूख जाए, चंगे हो जाए। और ये जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, हर एक शाप पर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा को अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जहाँ भी जाते परमेश्वर के संगो साथ रहे, आपकी अगुवाई करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सुबह के समय में ऑफिस अपने काम में जाती यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके व्हीकल को यीशु के लहू में कवर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनकी जरूरतों को पूरा करके देना, इनके आने जाने मार्ग को स्वर्गदूत के बारे में रखती। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। श्राप बंधन टूट गए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती। बीमारी जा चुकी, परेशानी जा चुकी, समस्या जा चुकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करती
पिता परमेश्वर, जय का झंडा खड़ा कर दिया और विजय बनाया और गवाही का जीवन दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारे प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और जय जयकार हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अपने ब्लेस करते, अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आप जल्द आने वाला इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आज की प्रार्थना को, वचन प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में भेजें और स्क्रीन में डिटेल्स को देख सकते हैं। अपने टाइथ, अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हो। डिटेल्स को अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। चर्च भवन की जमीन पर प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, सभी के लिए, ताकि और परमेश्वर के कामों को कर सकें और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा लोगों को बचा सके और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु में सदा आनंदित रहे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।